लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी हजारीबाग जिला के ग्राम पंचायत गोंदलपुरा में हूं और मुखिया पद, यहां पर ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है और मुखिया पद के योग्य कर्मठ एवं शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार है विनय कुमार उर्फ विकास। आपने जब जयकार में सुना होगा तो इन्होंने कह रहे थे कि अडानी ग्रुप को हटाना है, यानी कॉरपोरेट जगत को हटाना है। झारखंड के लोगों के लिए खास करके ये देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को शायद जमीन को हड़पने और यहाँ का जो निजी दखल में कॉरपोरेट को घुसने के कारण लोग कॉरपोरेट जगत को यहाँ लाना नहीं चाहते हैं। और मुखिया जो हैं हमारे साथ हैं, विनय कुमार जी हैं। मुखिया जी से मैं बात करूँगा कि इनका क्या मुख्य मुद्दा है और इनका छाप है ब्रश छाप, और इनका मुख्य मुद्दा क्या है पंचायत को सुधार करने के लिए। मुखिया जी, आपका, विनय कुमार जी, मुखिया जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, स्वस्थ है। और ये आप जो मुखिया पद है, ये पहली बार है या इससे पहले? तो पहली बार है, पहली बार खड़ा हो रहे हैं जी। तो आपका जो एक भीड़ देख रहे हैं, क्राउड देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों को आप शायद चाहते हैं शायद? देखिए, हम तो पूर्व से समाज सेवी रहे हैं जी जी, और समाज को सेवा करते आए हैं। इस चलते यहाँ का जनता का मेरा आशीर्वाद दिए जी जी, आशीर्वाद दे जनता को, जनता दे मेरा गोंदलपुरा पंचायत को, जनता आशीर्वाद दे तो हम इस क्षेत्र को हम विकास के क्षेत्र का रास्ता में ले जाएंगे। तो आप जब मुखिया पद के लिए जब खड़ा हुए, तो क्या मतलब कि आप समाज सेवी हैं, मुखिया आपको क्या कमी दिखाई समाज में इससे पहले के मुखिया में, कि समाज में कुछ कमी रह गई है, कि समाज का विकास होना जरूरी है इस मुद्दे इस स्तर तक, तो किस किस मुद्दों के लेकर के आप इस मुखिया पद को कबूल किए, मुखिया पद को चुनौती दिए हैं आप? हम जब मुखिया इस क्षेत्र के जो पूर्व मुखिया थे, जब हम लोग उससे भ्रष्टाचार को देखे जी जी, तो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्व में भी लड़े हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आवाज़ उठाते आए हैं, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण जनता जो इतना मेरा साथ दे रहा है जी जी। जिस तरह करके जिनको वृद्धा पेंशन होना चाहिए का, जो व्यक्ति को नहीं होकर अजोग व्यक्ति तो हुआ। इस चलते मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जोग व्यक्ति का जिस जैसा रैंक का आदमी है, जिस कैटेगरी का आदमी है, पहले उसका प्राथमिकता दे करके हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ साथ यहाँ के जनता से भी बात करूँगा कि आखिर क्यों आपको वोट दे, विनय कुमार मुखिया को जनता क्यों वोट दे, जनता से मैं बात करूँगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप इधर आइए कैमरा में, इनके ऊपर आप वहीं रहिए, इनके ऊपर आइए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार। रोहित कुमार है, आखिर विनय कुमार क्यों? विनय कुमार भैया को इसलिए हम लोग सोचे जी जी कि यहाँ 11 साल और 15 साल 35 साल देख चुके, एक आदमी को पकड़ने से कोई काम नहीं होता है जी जी। ठीक है, इसके अलावे हम लोग सोचे कि सबको देखना चाहिए, सबके चूल्हा मतलब जलना चाहिए जी जी। एक के चूल्हा जलाने से कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोचे कि जब एक आदमी चूल्हा जले, सब आदमी का चूल्हा बुतल रहे, तो वैसा काम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सोचे गोंदलपुरा पंचायत में जितना भी हो सबको जान रहा है, इसके अलावे हम लोग सोचे कि अब उनसे कोई गुजारा नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग विकास भैया को खड़ा किए। विकास भैया खड़ा करना। ठीक है, चलिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विनय कुमार क्यों? विजेंद्र कुमार यादव। नहीं, विनय कुमार क्यों? विजेंद्र कुमार। अरे भैया, विनय कुमार, मैं आपका नाम जान गया। विनय कुमार मुखिया क्यों? मुखिया हम सब 11 साल 12 साल जो हो गया जी जी, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको मुखिया चेंज करने का मतलब हमको दिमाग लगा कि मुखिया चेंज होगा तो शायद गाँव पंचायत है ना विकास करेगा जी जी। ठीक है, हमको अगर 5 साल में अगर चेंज करेंगे कुछ और लगेगा, उसके बाद गरीब मुखिया नहीं करेगा फिर अगला चेंज करेंगे। ठीक है, इनका कहना है कि हर पंचायत एक प्रजातंत्र का चुनाव है और प्रजातंत्र में प्रजा के पास पावर है कि जनतंत्र को चेंज करने का, और जनतंत्र चेंज होना 5 साल पर जरूरी है, क्योंकि अगर आप 5 साल में जनतंत्र को चेंज नहीं करेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है, तो भ्रष्टाचार का मुकाम शुरू हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हरिदेव नारायण। ये विनय कुमार, इस पंचायत में विनय कुमार के साथ आप लोग इतनी भीड़ में हैं, आखिर विनय कुमार क्यों? देखिए, जैसा यहाँ का अभी स्थिति हो चुका है, कॉरपोरेट का जिस तरह का यहाँ पे एंट्री हो चुका है, उस हिसाब से हमारा जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, जो भी मुखिया हो, उनका यहाँ पे जुझारू कर्मठ और ये शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉरपोरेट क्या है कि अभी सारे हमारे इधर का जितने भी एरिया अच्छा, है ये एक सवाल है, आप लोग ये नारा देते हैं कि अडानी को भगाओ यहाँ से, कॉरपोरेट को भगाओ, आप लोग क्यों भगाना चाहते? वो तो ग्रुप को तो रोजगार देगा यहाँ पे, वो रोजगार, देखिए रोजगार के नाम पर यहाँ पे सिर्फ ठगी हो रहा है क्या? जैसे आप हमारे बड़कागांव एरिया में भी अभी कंपनी लगी हुई है और भी जगह जगह कंपनी लगी हुई है, कहीं भी किसी को परमानेंट रोजगार नहीं देती है। दूसरा बात, जो वादा करती है वो वादा आज तक पूरा कभी कंपनी की नहीं है। ठीक है, और
अच्छा, एक एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह का वादा किया और नहीं किया पूरा? देखिए, जनता का यहाँ का जो मूलवासी है, हमारा यहाँ का स्थानीय है, हम यहाँ से पूरा ओवरऑल इंडिया में हम यहाँ स्थानीय, हमारे प्रमाण पत्र है। लेकिन कंपनी कहीं भी अगर वो हमको विस्थापित करती है तो कहीं का भी हमको स्थानीय नहीं देती है, सबसे पहला। दूसरा बात, यहाँ हमारा कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है, हमको कृषि के लिए, हमारा कृषि ही मुख्य इनकम का सोर्स है, कंपनी हमको उसके लिए जमीन नहीं देती है। हमारा यहाँ पूरा जनता, हम लोग एक गांव में एक बसे हुए हैं, तो इसके लिए हमको सब छिटपिट हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे जी, जी। तो उसके लिए हम लोग को एक ईमानदार और एक शिक्षित मुखिया चुनना बहुत जरूरी है। हम लोग इस पर, इसलिए पूरा जनता जनार्दन का ये जनादेश है, और हम लोग पूरा इस पर हम लोग विचार किए हैं, और बिना विवाह को हम लोग इस पर लाने का प्लान। अब मैं महिला क्षेत्र, महिला से बात करूंगा। महिला आप आइए, कोई आदमी है, प्रमिला देवी, सुनीता देवी, सुनीता देवी, आखिर विनय कुमार क्यों? इसलिए मैं चुने हैं विनय कुमार को कि 10 साल से मैं मुखिया को देखते हुए चलें कि कुछ इस गांव में विकास नहीं हुआ, इसी वास्ते हमको मुखिया चेंज करने का, विकास करने का, आगे बढ़ाने का, इस धरती माता को रखने का और बढ़ाने के लिए हम विकास कुमार महतो को चुने। बदलाव के लिए विकास चाहती है, ये इनका कहना है कि बदलाव के लिए विकास होना जरूरी है। क्यों विनय कुमार? आप आइए, क्यों विनय कुमार? विनय कुमार हम लोगों को इसलिए जरूरी पड़ा चुनने के लिए क्योंकि एक मुखिया हम लोग 11 साल रखे, हम लोग को तो नज़र में कुछ विकास के और नहीं ले गए, क्योंकि हम लोग एक गरीब परिवार से संपन्न है, जिसको मिला है एक बार उसी को बार बार दे रहे हैं और गरीब आदमी को देख नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने विनय कुमार उर्फ विकास कुमार को हम लोग चुना करने के लिए, और मतलब आवाज़ उठाने के लिए, मेन कारण है कि आवाज़ उठाने के लिए, जहां गलत हो रहा है वहां एक ऐसा मुखिया चाहिए जो विनय कुमार उर्फ विकास कुमार है वही उठा सकते हैं। गलत को देखते हुए भी को आदमी मतलब दबदबा में रह जाते हैं कि इस आवाज़ को हम नहीं उठाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि पक्षपात के लिए लड़ाई है, क्योंकि जो मुखिया पूर्व मुखिया थे वो पक्षपात करते हैं, एक तरफा की न्याय करते हैं, एक तरफा न्याय नहीं कर पाते हैं, द्विपक्षीय न्याय नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बदलाव चाहते हैं। और लोग हैं क्या? और लोग बोलेंगे कोई? आ जाइए, नहीं और लोग हैं कोई? आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, ग्राम गोंदलपुरा का। विनय कुमार क्यों? विनय कुमार हमने पूरा गाँव में हम लोग इसलिए सपोर्ट किए हैं कि 11 साल जो मुखिया रहा है वो जैसे कि सरकारी कुआं हो गया, मकान हो गया, शेड हो गया, उसमें जितना भी पैसा आता है वो आधा पैसा मुखिया जी लुटा देते हैं। ठीक है। जैसे में पंचायत सेवक भी लेता है, रोजगार सेवक लेता है, और पहले जो इधर गांव में दलाल है वो ले लेता है, आधा पैसा हम लोग का बंट जाता है, और बंट जाता है तो इस तरह जो जो व्यक्ति का घर सरकार ने देता है घर बनाने के लिए, वो पैसा तो आधा बंट जाता है, और वो गरीब किसान घूस देता है आधा, और अपना कर्जा में घर बनाने के चक्कर में, सरकारी घर बनाने के चक्कर में अपना कर्जा में डूब जाता है, तो सरकारी फंड लेने के लिए घुस देना पड़ता है। देखिए, ये राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 100 रुपया जाता है और पब्लिक के पास 1 रुपया जाता है। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक का कहना है कि सरकारी फंड लेने के लिए भी घुस देना पड़ता है। आइए 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 आइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश भैया। इसको छोड़िए, आप माइक छोड़ दीजिए भाई साहब। विनय कुमार क्यों? जैसे अगला चुनाव, जैसे हम लोग चुनाव चुने किए थे ना, तो हम लोग जनरली कर दिए थे जी, जी। मतलब हमें बेमत कर दिए थे, उससे हमें लोग 2 लाख पैसा भी आया, 2 लाख आया, उसने जनरल ने कभी भी नहीं बांटा गया ना, उससे काम भी नहीं हुआ, और नहीं हुआ वो दर्द कहाँ जनता आएगा, जनता कहाँ जाएगा, जनता कुछ भी जरूर कूदेगा, ठीक है, भूख लिए जरूर कूदेगा। मेरा यही कहना है कि हम कुछ अपना चुन के हम कैलेंडर कर खड़ा किए हैं, और कैलेंडर अपना ठंडा करेंगे, और उसमें ठंडा करके आप ठंडा अपने दुआ से सुनेंगे। चलिए, बोलिए बोलिए। और मुख्यमंत्री जी जो बोला है ना, वो मंत्री से मांग दर्द से दुरुस्त करना है। आइए आइए, हम बात करें। ठीक है, थोड़ा इसी बोल के चलिए, हो गया। क्यों आखिर विनय कुमार क्यों? विनय कुमार जो हमारे मुखिया प्रत्याशी है गोंदलपुरा पंचायत के, हम मुख्य रूप से गोंदलपुरा में जो मुख्य समस्या है कंपनी के बारे में, कंपनी भी देख रहे हैं हम लोग गांव में बहुत से ऐसे दलाल है जिनके माध्यम से यहां कंपनी खोलने के लिए तैयारी चल रहा है। हम विकास भैया को देखे कि यही एक मेरा मुखिया प्रत्याशी है जो जीतने के बाद में कंपनी को हटा सकता है, जो गोंदलपुरा का मान और सम्मान सब कुछ बचा सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे। कौन बोलेंगे? चलिए, हो गया। नहीं कौन? आइए,
बताइए। रूदी पंचायत से हम हैं, अनिल कुमार दांगी मेरा नाम है। और बाजे जादू जो है ना वो तो गेम कर रहा है और वो जो है ना बेचवाने वाला काम कर रहा है। और बादाम का आधा आदमी को खरीदा था और रैली में निकाला भी था, ठीक है। हमको डर नहीं है किसी से। और कहने का मतलब है अड़ानी कंपनी बहुत बड़ा है, उसको भी बड़ा मान रहे हैं। बाकी पब्लिक के साथ काम मान सम्मान होना चाहिए, वो नहीं मान रहा है। मगर दलाल के थ्रू चल रहा है ना, उसको फाड़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है। गोंदलपुरा पंचायत से पब्लिक का कहना है कि यहाँ पे कॉरपोरेट जगत का जो एंट्री है वो कॉरपोरेट जगत का एंट्री नहीं चाहते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट जगत जो वादा करती है वो वादा को पूरा नहीं करती है। मैं कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ लाइव न्यूज शंभु कुमार हजारीबाग। लाइव न्यूज खबर तो पक्की है।